दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है बटरफ्लाई नेस्ट अपार्टमेंट से, जहां लगभग 900 परिवार रहते हैं। और इसी अपार्टमेंट में 9th फ्लोर के एक छोटे से फ्लैट में हमारी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस गीता भी रहती है, जो फिलहाल एक लॉ फर्म में काम करती है। दोस्तों गीता के साथ गीता की दीदी वैजंती, जो एक क्रिमिनल लॉयर है, और वैजंती की दो बच्चे चिन्नू और बन्नू को भी हमें यहाँ दिखाया जाता है। दोस्तों वैजंती अपने पति को छोड़ के दो बच्चे और गीता के साथ अकेले क्यों रहती है, वो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, एंड वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों अगले दिन सुबह गीता को हम ऑफिस में देखते हैं, और ये है गीता की बॉस, जो गीता को बेस्ट टैलेंट मानते हैं और कुछ भी डिफिकल्ट हो तो गीता से ही शेयर करते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं विश्वा नाम का एक बंदा को, जो बार बार गीता को कॉल किए जा रहा है। तभी गीता फोन रिसीव करके सेम प्लेस सेम टाइम पर मिलने को कहती है। और दोस्तों इस बंदे का नाम है विश्वा, जो गीता के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में है, और फिलहाल वो अपनी शादी को लेकर गीता के साथ बात कर रहा है। जहां हमें ये पता चलता है कि गीता जब 1 साल की थी, तब एक्सीडेंट के वजह से वो अपनी मॉम डैड को खोया है, और तब से वो अपनी दीदी को ही सब कुछ मानती है। दूसरी तरफ हम कोर्ट में वैजंती को देखते हैं, जो एक अनाथ बच्चे की केस लड़ रही है, और सरकार के तरफ से डिफेंस प्रोसिक्यूटर चंद्रमोहन है। बात यह है कि लड़की अनाथ आश्रम में रहती है, और मामला है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, जिसमें वो लड़की खुद को बचाते वक्त हॉस्टल वार्डन का मौत हो जाता है, और सभी गवाह और सबूतों के बाद कोर्ट लड़की को निर्दोष साबित करती है। दोस्तों इसके बाद कोर्ट के बाहर चंद्रमोहन वैजंती को ये बोल रहा है कि सुना है तुम जज के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहे हो, जब तुम यहाँ वकील बनकर आई थी तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सके, और अगर तुम जज बन गई तो तब तो भाई तुम हमें मार ही डालोगे। और दोस्तों यहाँ पता चलता है दोनों पति पत्नी है। वैजंती चंद्रमोहन को डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है, जहाँ चंद्रमोहन रोक ठोक मना करके ये बोलता है कि चाहे तुम जज बन जाओ या चीफ जस्टिस, बच्चे की कस्टडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वैजंती चैलेंज एक्सेप्ट करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन दोस्तों रास्ते में दो बाइक वाले वैजंती को फॉलो करने लगते हैं। तभी वैजंती गाड़ी को साइड में लगा के जब उनसे बात करती है, तब हमें पता चलता है ये गैंगस्टर श्रीनु और दिगल के आदमी है, और फिलहाल श्रीनु जेल में है, और वो चाहता है वैजंती इस केस को हैंडल करे, लेकिन यहाँ वैजंती इन्हें मना कर देती है। तब ये लोग वैजंती को धमकी दे के ये बोलते है कि तुम्हारे दो बच्चे है ना, और एक बहन भी, इसके बारे में सोच लो। इसी बीच श्रीनु का कॉल आता है, तब वैजंती ये बोलती है कि अब समझ आया, निर्दोष होने के बावजूद भी तुम जेल में क्यों हो, तुम्हारे आदमी को अगर तमीज होती तो वो मुझे बच्चे और बहन की धमकी नहीं देते। अब तक तो मैं तुम्हारे केस के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन अब से तुम्हारे केस मैं हरगिज नहीं लूंगी, जो करना है कर लो, ये बोल के मोबाइल फेंक के वैजंती यहाँ से चली जाती है। फिर दोस्तों अगले दिन सुबह वैजंती दिल्ली जाने से पहले गीता को क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ एक एक करके बताती है, और इसमें ये भी बोलती है कि पता नहीं जिंदगी में पहली बार टेंशन हो रही है। लेकिन इसमें गीता अपनी दीदी को मोटिवेट करती है, और आखिर में वैजंती यहाँ से चली जाती है। और अब गीता डांस करते हुए लिफ्ट के अंदर जैसे ही जाती है, तभी एक आदमी गीता को अलग ही नजर से घूरता है, और ये देख के गीता थोड़ी सी घबरा जाती है, और वो आदमी 9th फ्लोर तक गीता का पीछा करता है। हालांकि बाद में हमें पता चलता है वो 609 पर किसी से मिलने आया है। दोस्तों अब गीता फ्लैट के अंदर जाते ही बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती है। दूसरी तरफ फ्लैट के नीचे एक बंदे को दिखाया जाता है, जो बच्चों से बॉल लेकर हवा निकाल देता है। फिल्म में इस बंदे का नाम कुछ भी नहीं है, तो हम इसे डेविड कहकर बुलाएंगे। डेविड के माँ बाप US में रहते हैं, और इस अपार्टमेंट में डेविड का खुद का फ्लैट है, और डेविड ड्रग्स एडिक्ट है, और इसके नाम पे काफी शिकायत भी है। दोस्तों दूसरी तरफ फ्लैट के अंदर चिन्नू और बन्नू गीता से नाराज है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि गीता गेम में चीट किया है। और ये है बेबी, गीता के फ्लैट में काम करती है। बेबी बच्चों को समझाते हुए ये बोलती है कि अभी हम चालाकी से खेलेंगे और आंटी को हरा देंगे, हाई फाई। बेबी गीता को बोलती है, मैडम मीनाक्षी मैडम घर साफ कर रही है, तो वो 1 घंटे के लिए मदद मांग रही है, मैं जा सकती हूँ? गीता बोलती है, जाओ, हम लंच तक आ जाएंगे, तब तक तुम खाना तैयार रखना। दोस्तों दूसरी तरफ फ्लैट नंबर 205 को दिखाया जाता है, जहाँ बाहर से एक बंदा दूसरे बंदा को ये बोल रहा है कि काम हो गया क्या। अगला बंदा बोलता है, नहीं, प्लान चेंज हो
हो गया है, तुम आधे घंटे बाद आना। फिर बाहर से वो बंदा बोलता है कितना डिमांड कर सकते हैं, अंदर से वो आदमी बोलता है 5 लाख, फिर ये आदमी बोलता है बस इतना ही, अंदर से वो आदमी फिर से बोलता है ज्यादा लालच मत कर नहीं तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। इधर गीता बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहां बच्चे सीढ़ियों से जाने की जिद करते हैं। लिफ्ट आने के बाद गीता को मजबूरी में लिफ्ट के अंदर आना पड़ता है। दूसरी तरफ वैजंती दिल्ली पहुंचने के बाद गीता को कॉल करती है और बच्चों के लिए थोड़ा केयरफुल रहने को कहती है। और दोस्तों फोन रखते ही वैजंती बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर लिफ्ट आने के बाद गीता देखती है बच्चे अभी तक नीचे नहीं आए हैं। वॉचमैन से जब पूछताछ करती है लेकिन वॉचमैन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गीता ड्राइवर कृष्णैया को ऊपर भेजती है। कृष्णैया हर जगह चप्पा चप्पा छान लेता है लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। अब कृष्णैया नीचे आने के बाद गीता कृष्णैया को नीचे ढूंढने को कहती है और खुद ढूंढना शुरू कर देती है। गीता हर एक फ्लोर में हर एक आदमी से पूछती है लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बच्चे गए कहां, ये इस फिल्म की असली ट्विस्ट है। इसके बाद गीता फ्लैट के अंदर जाती है और घर की हर तरफ ढूंढती है लेकिन बच्चे यहाँ भी नहीं मिलते। फिर गीता छत के ऊपर जाती है और बच्चों से चिन्नू और बन्नू के बारे में पूछती है लेकिन यहाँ भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। छत के ऊपर से गीता हर तरफ नजर घुमाती है लेकिन इसमें भी गीता को बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। फिर गीता दौड़ते हुए बेसमेंट में जाती है और हर तरफ ढूंढने के बाद भी यहाँ भी गीता को बच्चे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो फ्लैट नंबर 205 पर आया था। वो अभी भी फोन पर उस आदमी से बात करके ये बोल रहा है कि रेडी हुआ कि नहीं तो मैं अंदर आ जाता हूँ। लेकिन अंदर से वो आदमी ये बोल रहा है कि तुम वही रुको, तुम अंदर आओगे तो लोग हमें डाउट करेंगे, बस 2 मिनट वैन में डालकर भेज रहा हूँ। दोस्तों दूसरी तरफ हम गीता को देखते हैं जो बच्चों को ढूंढते हुए बाहर तक आ चुकी है। और इधर हम गैंगस्टर श्रीनु के आदमी को भी देखते हैं जो वैजंती को केस हैंडल करने के लिए धमकी दिए थे। और उनमें से एक आदमी ये बोल रहा है कि बिना भाई को बताए हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा आदमी ये बोलता है कि काम होने के बाद हम भाई को बता देंगे, भाई जरूर खुश होंगे। दोस्तों इस सिचुएशन में गीता और हम सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या, किसी ने किडनैप किया या और कुछ हुआ है। फिर दोस्तों गीता सिक्योरिटी डेस्क पर आके एक एक करके हर किसी को फोन लगाती है लेकिन यहाँ भी हर कोई अलग अलग जवाब दे के फोन रख देते हैं। इसी बीच गीता के फ्लैट में काम करने वाले बेबी भी आ जाती है लेकिन बेबी को भी बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी गीता के नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और तुरंत बेबी को लेकर ऑपरेटर रूम पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ जगदीश नाम का एक बंदा बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से हम फुटेज नहीं दिखा सकते ये बोलता है। दोस्तों अब गीता तुरंत प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है और सब कुछ सच सच बताती है। अब प्रेसिडेंट के साथ गीता फिर से ऑपरेटर रूम पर आती है जहां जगदीश प्रेसिडेंट को ये बताता है कि कल रात चूहे ने केवल वायर को काट दिया है, इसीलिए आज का फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और इसी बीच विश्वा भी यहां आ जाता है और गीता विश्वा को सब कुछ सच सच बताने के बाद विश्वा पुलिस में कंप्लेन करने को कहता है। लेकिन यहां प्रेसिडेंट रोक ठोक मना करके ये बोलता है कि आज तक इस अपार्टमेंट में पुलिस कभी भी नहीं आया है और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम खुद लिफ्ट पर आई और बच्चों को सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ये बोल के वो यहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गीता को फिर से पुलिस में कंप्लेन करने को कहती है। तभी गीता और विश्वा मिलकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गीता के फ्लैट में काम करने वाले बेबी भी फ्लैट के हर एक आदमी से पूछताछ करती है। इधर गीता और विश्वा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस अधिकारी को सब कुछ सच सच बताते हैं तब पुलिस ऑफिसर इन्हें ये बोलता है कि देखो 24 घंटे के बाद ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा, तब तक तुम लोग खुद से बच्चों को ढूंढते रहो। लेकिन यहां गीता फिर से पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है तब भी पुलिस वाला इन्हें रोक ठोक मना ही कर देता है। दोस्तों अब पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद गीता विश्वा से ये बोल रही है कि दीदी रात को 11 बजे तक आ जाएगी, तब तक अगर बच्चे नहीं मिले तो मैं अपनी शक्ल दीदी को नहीं दिखा सकती। विश्वा तुम पुलिस में किसी को जानते हो क्या? तभी विश्वा अपने दोस्त कार्तिक को कॉल करता है जो क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल का नौकरी करता है। कार्तिक आने से पहले विश्वा गीता और बेबी मिलके हर दरवाजा खटखटाते हैं और आखिर में फ्लैट नंबर 505 पर पहुंच जाते हैं, जहां बेबी ये बोलती कि मैडम ये बहुत दिनों से खाली है, मैं वॉचमैन से चाबी लेकर आऊं क्या? लेकिन यहां गीता मना कर देती है। इधर कार्तिक आने के बाद सबसे पहले विजिटर बुक चेक करता है, फिर कुछ फ्लैट के अंदर तलाशी लेता है और आखिर में डेविड के फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां डेविड को दोनों बच्चों की फोटो दिखाया जाता है और फ्लैट की तलाशी ली जाती है। लेकिन यहां भी बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है।
लेकिन जाने से पहले डेविड बेबी से गीता का नंबर लेता है ताकि बच्चों के बारे में कुछ पता चले तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर सके। दूसरी तरफ वैजयंती को गीता बार बार कॉल किए जा रही है लेकिन अभी भी वैजयंती का फोन स्विच ऑफ है। तभी गीता कार्तिक को बोलती है, सर ऐसे ही काम नहीं चलेगी, प्लीज आप एक बार CISR से बात करके देखिए। लेकिन कार्तिक भी यहाँ वही बात बोलता है, जब तक 24 घंटे नहीं होते या कोई किडनैपर का कॉल नहीं आता तब तक पुलिस ऑफिशियली कुछ भी स्टेप नहीं ले सकता, बाकी हम अपनी तरफ से थोड़ी और कोशिश कर सकते हैं। अब ये लोग ढूंढते ढूंढते फ्लैट नंबर 205 पर पहुंच जाते हैं जहां 205 में रहने वाला आदमी इन्हें अंदर आने ही नहीं देता है। तभी कार्तिक पुलिस की धमकी देता है और जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंदा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गंजे का पौधा लगा रखा है। कार्तिक पुलिस स्टेशन को कॉल करके बंदे को पकड़ा देता है और इसी वक्त CI का कॉल आने के बाद कार्तिक को भी मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। कार्तिक जाने के बाद इधर गीता और विश्वा फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है जहां वो ये बोल रहा है कि बच्चे को मैंने किडनैप किया है। गीता यहां तुरंत कॉल रिकॉर्ड करने लगती है। फिर उस किडनैपर से हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो सबूत के लिए हाथ या पाँव भेजूं। लेकिन यहां गीता किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है और बच्चों को कुछ ना करने को कहती है। तभी किडनैपर 5 लाख का डिमांड करता है और लोकेशन के बारे में भी बता देता है। ये बात सुनते ही गीता और विश्वा घर आते ही तुरंत पैसों का इंतजाम करने लगते हैं और घर का सारा पैसा निकालते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ जाता है, इसीलिए विश्वा ATM से कुछ पैसा निकालता है। दोस्तों अब किडनैपर के मुताबिक गीता नर्सिंग फ्लाईओवर से सर्विस रोड पर पैसों को एक थैली में भर के फेंक देती है जहां वो किडनैपर ये बोलता है कि तुम्हारे घर पहुंचने तक बच्चे घर में पॉपकॉर्न खाते होंगे। दोस्तों अब गीता और विश्वा तुरंत घर आके देखते हैं लेकिन बच्चे अभी भी घर पे नहीं है। ये देख के दोनों काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ किडनैपर का फोन भी स्विच ऑफ है। तभी विश्वा गीता को कॉल रिकॉर्डिंग निकालने को कहता है जहां बेबी आवाज सुन के ये बताती है कि मैडम ये आवाज तो हमने पहले कहीं सुने हैं। अब तीनों तुरंत डेविड के फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि डेविड बॉस मौके का फायदा उठाकर गीता से 5 लाख रुपया लूट लिया है और इसे बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अब डेविड को पुलिस में पकड़ा दिया जाता है और इधर गीता टूट सी जाती है और फिर से गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी एक छोटी सी बच्ची गीता के पास आके ये बोलती है कि दीदी आपको वॉचमैन बुला रहा है। गीता तुरंत दौड़ते हुए जब सिक्योरिटी के पास पहुंचती है तब हम देखते हैं चिन्नू और बन्नू का ID कार्ड मिला है। वॉचमैन बताता है उसे ये कार पार्किंग में मिला है, साथ में वहाँ एक मोबाइल फोन भी होता है। दोस्तों उसी वक्त उसी फोन में एक फोन कॉल आता है जहाँ वो आदमी ये बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को मैंने किडनैप किया है। लेकिन यहाँ गीता भड़क जाती है और बोलती है कौन हो तुम, अभी किसी कमीने ने मुझे 5 लाख रुपया लूटा और अभी तुम शुरू हो गए। किडनैपर बोलता है तुम्हारे बच्चे मेरे पास है तभी तो मैं तुम्हें आईडी कार्ड भेजा है। और साथ में किडनैपर ये भी बोलता है कि ऑपरेशन बटरफ्लाई शुरू होने वाला है, तुम्हें एक बॉक्स भेजा है वो खोल के देखो। गीता जब बॉक्स ओपन करती है तब उसे चिन्नू के फोटो के साथ एक दांत मिलता है। ये देख के गीता घबराती हुई किडनैपर को रिक्वेस्ट करती है और बच्चे को कुछ ना करने को कहती है। लेकिन यहाँ किडनैपर गीता के सामने एक रूल्स रखता है जिसमें वो ये बोलता है कि जब जब भी तुम रूल्स ब्रेक करोगे तब दोनों में से किसी एक को मरना होगा। रूल्स ये होता है कि पुलिस तो क्या, किसी को भी इस किडनैपिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रूल्स नंबर 2, गीता को हर हाल में फोन उठाना ही पड़ेगा और अगर मिस्ड कॉल हुई तो दोनों में से किसी एक को मरना होगा। रूल नंबर 3, तुम मुझे पकड़ने या ट्रैक करने की कोशिश मत करना और इसके अलावा जो भी तुम्हें बोलूं कोई सवाल नहीं। एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम करोगे सब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं। और आखिर में किडनैपर गीता से 15 लाख रुपया डिमांड करता है लेकिन गीता के पास सिर्फ 5 लाख होती है इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इसमें किडनैपर और एक गेम खेलता है जिसमें वो ये बोलता है कि सामने वाला फ्लैट चंद्रमोहन का बेटा को किडनैप करके मुझे सौंप दो। लेकिन ये चीज गीता के लिए और भी मुश्किल होती है और आखिर में किडनैपर ये बोलता है कि 4:20 तक पैसों का इंतजाम कर लेना। फिर दोस्तों ये सीन यहाँ पर ऐसे ही कट हो जाती है और अगले सीन में हमें वैजयंती को दिखाया जाता है। वैजयंती जानती है कि अगर इस बारे में गीता को कुछ पता चला तो वो टेंशन में आ जाएगी, इसीलिए वो अब भी गीता का कॉल रिसीव नहीं करती है क्योंकि वो रात को 11 बजे तक घर में पहुंच जाएगी। दोस्तों दूसरी तरफ गीता पैसे के लिए सीधे चंद्रमोहन के पास पहुंच जाती है जहां हमें ये पता चलता है कि चंद्रमोहन कैरेक्टरलेस है, वो गीता के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। और ये बात जब वैजयंती को पता चलती है तब वो पुलिस में कंप्लेंट करने के
साथ गीता और दो बच्ची को लेकर अलग रहती है। चंद्रमोहन यहाँ एक शर्त पर गीता को पैसे देने के लिए राजी होता है, जिसमें गीता को ये कबूल करना होगा कि चंद्रमोहन के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सब गलत है। गीता के पास अब कोई दूसरा सलूशन ना होने के वजह से मजबूरी में उसे उस पेपर पर साइन करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी चंद्रमोहन गीता के साथ चीट करता है और 15 लाख की जगह 5 लाख पकड़ा देता है और आखिर में गीता को 5 लाख के साथ लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों गीता को अब भी 5 लाख की जरूरत है, इसीलिए वो अपने अंकल को कॉल करके अर्जेंट 5 लाख रुपया चाहिए बोलती है। लेकिन गीता के अंकल ये बोलता है कि पैसा तो मिल जाएंगे लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तभी गीता अपनी माँ की जेवर लेने के लिए जब कमरे के अंदर जाती है तब हमें पता चलता है कि गीता की माँ बाप की डेथ होने के बाद हम उस अंकल को देखते हैं जो वैजंती और गीता की देखभाल करने के लिए उस जेवर को हड़पना चाहता था। लेकिन यहाँ वैजंती उस जेवर को निशाने के तौर पर रख लेता है और गीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इस सीन को ना दोस्तों हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। अब गीता अपने अंकल को जेवर देकर पैसा ले लेती है और उसी वक्त दोस्तों किडनैपर का कॉल आता है जिसमें वो गीता को मेट्रो स्टेशन पर आने को कहता है और इसमें किडनैपर गीता के साथ एक लुक्का छुपी वाला खेल खेलता है और आखिर में एक स्टेशन पर बैग को फेंकने को कहता है। तभी हम देखते हैं एक मास्क पहना हुआ आदमी उस बैग को उठाकर ले जाता है। दोस्तों इधर गीता फ्लैट के अंदर आके बच्चों के लिए वेट कर रही है। तभी हम देखते हैं विश्वा किडनैपर को पकड़ने के लिए बैग में एक ट्रैकर फिट किया। अब ये बात किडनैपर को जब पता चलता है वो भड़क जाता है और बच्चों को मारने की धमकी देता है और फोन कट करके रख देता है। अब गीता विश्वा के साथ काफी बहस करने लगती है और गुस्से में उस मोबाइल फोन को नीचे पटक देती है। लेकिन इसमें इन लोगों का टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि किडनैपर को कॉन्टेक्ट करना अब और भी मुश्किल होता है। दोस्तों इसी वक्त किडनैपर बेबी के फोन में फोन करता है और गीता से फिर से 15 लाख का डिमांड करता है। लेकिन गीता के पास अब एक भी रुपया नहीं है, इसीलिए किडनैपर से गीता काफी रिक्वेस्ट करती है और वैजंती आने तक टाइम मांगती है। लेकिन इसमें किडनैपर गीता की एक भी बात नहीं सुनता है और आखिर में 7:20 तक का टाइम देता है और ये भी बोलता है कि अगर इस बार कुछ भी गलती हुआ तो सच में वो बच्चों को मार देगा। दोस्तों अब गीता अपनी दीदी की डायरी निकाल कर हर एक क्लाइंट को कॉल करती है और पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन यहाँ भी हर कोई गीता को मना ही कर देता है और आखिर में गीता जब एक एमएलए के पास पहुंचती है तब एमएलए पैसों के लिए राजी हो जाता है। लेकिन पैसे देने से पहले वो वैजंती से बात करवाने को बोलता है और इधर वैजंती का फोन स्विच ऑफ और यहाँ से भी गीता को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब विश्वा के पास भी जितना पैसा था वो भी खर्च हो चुके हैं। अब बेचारी गीता एक जगह पर बैठ के रो रही होती है। तभी कुछ पुलिस वाले एक आदमी को ढूंढते हुए गीता के पास पहुंचते हैं जिसमें गीता उस आदमी को बचा लेता है। फिर वो आदमी गीता से कुछ पैसा मांगता है ताकि वो अपनी बेटी की बर्थडे पर गिफ्ट दे सके। गीता परेशान होकर विश्वा से 1000 रुपया लेकर उस आदमी को देता है। तभी वो आदमी एक चेक फेंक कर दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और इस चेक को गीता बड़ी गौर से देखती है और आखिर में गीता अपनी दीदी वैजंती का साइन नकल करने लगती है और आखिर में वो कर ही लेती है और विश्वा के साथ सीधे पहुँच जाती बैंक में। लेकिन तब तक बैंक बंद हो चुका होता है। अब गीता बैंक मैनेजर को कॉल करने के बाद भी कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। तभी वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गीता की प्रॉब्लम को समझते हुए 10% लेकर पैसा अरेंज करवा देता है। लेकिन अभी भी गीता को 1.5 लाख रुपया की जरूरत है। तभी गीता के फ्लैट में काम करने वाले बेबी गीता को अपने घर से 1.5 लाख रुपया देती है और इसी वक्त किडनैपर का कॉल भी आता है। लेकिन इस बार गीता पैसे देने से पहले किडनैपर को बच्चे को दिखाने को कहती है। तभी किडनैपर गीता को एक अनलिस्टेड वीडियो भेजता है जहां हम देखते हैं एक मास्क पहना हुआ आदमी बच्चों को पानी में डुबा रहा है। इसके बाद किडनैपर गीता से ये भी बोलता है कि अब अगर कुछ भी प्रूफ चाहिए तो सीधे डेड बॉडी भेज दूंगा। अब किडनैपर के मुताबिक गीता अपनी दीदी की गाड़ी लेकर एक लेक के पास पहुंच जाती है जहां रूल्स ये होता है कि गाड़ी की डिक्की में पैसे डालकर ये लोग दूर रहे। और दोस्तों गीता और ड्राइवर ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी विश्वा भी वहां आ जाता है और एक मास्क पहना हुआ आदमी को देखकर ये लोग सीधे मारने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस में है और कांस्टेबल कार्तिक के कहने पर ही वो यहां आया था। दोस्तों दूसरी तरफ ये लोग दौड़ के गाड़ी के पास आते हैं लेकिन गाड़ी के डिक्की में अब पैसा नहीं होती है। इसी वक्त किडनैपर का कॉल आता है जहां वो इस बार भड़कते हुए ये बोलता है कि इस बार दोनों बच्चों को वो मार ही देगा क्योंकि तुमने रूल्स तोड़ा है। लेकिन गीता रोती हुई किडनैपर से रिक्वेस्ट करके ये बोलती है कि प्लीज बच्चों को कुछ ना करे, तुम जो बोलोगे मैं वो ही करूंगी। दोस्तों इसके बाद किडनैपर गीता से और 15 लाख का डिमांड करता है, वो भी 10:20 के अंदर। गीता और इन
लोगों के पास पैसे देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए गीता और बिस्वा मिलकर बिस्वा के घर पहुंचते हैं, जहां बिस्वा के घर वाले गीता को काफी जलील करने के बाद रोक ठोक मना कर देते हैं। अब बेचारी गीता रोती हुई बिस्वा के घर से निकल जाती है और अपनी दीदी वैजयंती को कॉल लगाती है, लेकिन अब भी बात नहीं हो पाती है। अब गीता चिन्नू और बन्नू और अपनी दीदी को याद करके काफी रोती है और ये सीन दोस्तों मेरे लिए भी थोड़ा सा इमोशनल था। लेकिन गीता अब भी हार नहीं मानती है और पैसे के लिए अपने बॉस के पास पहुंच जाती है। लेकिन खड़ूस बस इस सिचुएशन में पैसे के बदले गीता का फायदा उठाना चाहता था, इसीलिए गीता को यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर दोस्तों अगले सीन में हम चिन्नू को देखते हैं जो रोते हुए दरवाजे पे नॉक कर रहा है, और यहाँ हमें पता चलता है उस मास्टरमाइंड के बारे में जो चिन्नू और बन्नू को किडनैप किया है। असल में दोस्तों आज सुबह चिन्नू बन्नू स्कूल जाते समय सीढ़ियों से दोनों बच्चों को बेबी लुक्का छुपी खेलने के बहाने फ्लैट नंबर 505 पर लाके अपने देवर को सौंप दिया था। और इसमें दोस्तों और एक बात भी पता चलता है, वैजयंती आने के बाद ये लोग अब गीता को किडनैप करने वाले हैं और गीता के बदले वैजयंती को 1 करोड़ का डिमांड करने वाले हैं। लेकिन ये बात गीता को अब भी पता नहीं है, इसीलिए वो रास्ते में एक जगह पर बैठ के रो रही होती है। तभी बिस्वा अपने घर वालों से झगड़ा करके 15 लाख रुपया लेके गीता को देता है और इसमें गीता को थोड़ी सी राहत मिलती है। और इसी वक्त किडनैपर का कॉल भी आता है, जिसमें किडनैपर अब बेबी के हाथ में पैसा भेजने को कहता है। अब बिस्वा और गीता बेबी को काफी रिक्वेस्ट करते हैं और बेबी जानबूझकर इनके सामने नाटक कर रही होती है, जैसे कि कुछ पता नहीं है। लेकिन जाते जाते ऑडियंस को अपनी असली चेहरा दिखा के जाती है। फिर दोस्तों कुछ देर बाद किडनैपर गीता को कॉल करके ये बोलता है कि पैसे मिल गए हैं, बच्चे तुम्हें फ्लैट के नीचे एक कचरे की गड्डी में मिलेगा। गीता दौड़ते हुए जैसे ही गाड़ी के अंदर जाती है, सच में चिन्नू और बन्नू गाड़ी के अंदर होते हैं, लेकिन दोनों मर चुके होते हैं। ये देख के गीता काफी रोती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर ने कहानी को और थोड़ा सा घुमा दिया है। असल में गीता का जस्ट ये एक सपना था और हकीकत में गीता को बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। अब बेबी आने के बाद गीता और बिस्वा बेबी से बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेबी जानते हुए भी इनके सामने अपनी एक्टिंग की दुकान खोल देती है। दोस्तों इसी वक्त ड्राइवर कृष्णैया के शर्ट पर चाय गिर जाता है और जैसे ही वो शर्ट चेंज करने वाला होता है, गीता देख लेती है कि उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है। गीता चुपके से बिस्वा को इस टैटू के बारे में बताती है, क्योंकि किडनैपर ने जो वीडियो भेजा था उसके हाथ में भी सेम यही टैटू था। इसमें गीता और बिस्वा को लगता है कि किडनैपर के साथ कृष्णैया का कुछ तो कनेक्शन है। फिर दोस्तों गीता और बिस्वा मिलके एक प्लान बनाते हैं और ड्राइवर कृष्णैया को उस पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं जहाँ कार्तिक ड्यूटी करता है। वीडियो देखने के बाद कार्तिक जब कृष्णैया से पूछताछ करता है, तब हमें पता चलता है कृष्णैया का असली नाम डेविड है। अब गीता और बिस्वा मिलके जब कृष्णैया का घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें उस पैसे वाली बैग दिखता है जो गीता और बिस्वा बेबी को दिए थे। बिस्वा जब नजदीक जाके उससे बात करता है, तब हमें पता चलता है ये सीसीटीवी इंचार्ज जगदीश है। जगदीश बिस्वा को धक्का देके वहां से भागने वाला होता है, लेकिन बिस्वा आखिर में उसे पकड़ ही लेता है। और दूसरी तरफ गीता कृष्णैया का घर ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग आदमी से कृष्णैया के बारे में पूछती है, लेकिन कृष्णैया का नाम सुनते ही वो आदमी मना कर देता है। तभी गीता जब डेविड का नाम बताती है, तब वो आदमी डेविड का घर का पता बता देता है और आखिर में गीता डेविड के घर में पहुंच जाती है। और जब वो घर की तलाशी ले रही होती है, तभी उसे एक फोटो मिलता है और इसी वक्त गीता के सर पे कोई पीछे से वार करता है। फिर तभी पता चलता है वो और कोई नहीं बेबी ही था। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि डेविड बेबी का बाप है और जगदीश बेबी का पिता है। अब गीता को होश आने के बाद बेबी को काफी रिक्वेस्ट करती है बच्चों को कुछ ना करने के लिए, लेकिन ये बेरहम दिल वाली औरत गीता की एक भी बात नहीं सुनती है। लेकिन इसी वक्त बिस्वा का कॉल आता है, जहां गीता को ये पता चलता है कि जगदीश को पकड़ लिया है और बच्चे भी सेफ है। ये पता चलने के बाद गीता बेबी को इस तरह से धुलाई करती है जैसे कोई धोबी भी नहीं करती होगी। लेकिन इसी वक्त वॉचमैन भी यहां आ जाता है, ये वॉचमैन भाई साहब बेबी की भाई है। और तभी हमें पता चलता है बेबी के पूरे परिवार के बारे में जो इस किडनैपिंग में शामिल थे। और इसी वक्त बिस्वा और पुलिस भी यहाँ आ जाते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगले दिन सुबह टीवी न्यूज पर हमें ये जानने को मिलता है कि जेल में 5 कैदियों का मौत हो गया है और ये काम वैजयंती की कहने पर गैंगस्टर श्रीनु ने ही किया। दोस्तों ये थी साल 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म बटरफ्लाई फिल्म की कहानी।